प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हिंदी बाइबल रीड में आप सबका स्वागत है। मेरी प्रियो, आज का वचन अंत तक जरूर सुने ताकि प्रभु आपको बहुत अच्छी आशीष दे, और पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 4, यीशु और सामरी स्त्री। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फारिसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी नहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उसे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है तो तुझसे कहता मुझे पानी पिला, तो तू उससे पानी मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यीशु ने स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने शत्रु समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, पर जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक श्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हों और जल भरने को इतनी दूर आऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इसी वचन में बहुतायत से आशीष दे। जिस प्रकार सामरी स्त्री ने प्रभु पर विश्वास किया जीवन के जल के बारे में जो दृष्टांत दिया, लेकिन सामरी स्त्री समझ गई थी वो मसीहा आएगा और हमें जीवन का जल देगा। इसलिए मेरी प्रियो, हमें भी उस सामरी स्त्री की तरह बनना है। हमें प्रभु के वचनों पर विश्वास करके अपने उनके वचनों पर चलना है और बाकी लोगों को भी प्रभु का वचन सुनाना है। वचन मतलब जीवन का जल। वो जल जीवन को अन्य जाति में जाके हमें भी देना है सामरी स्त्री के की तरह। इसलिए मेरे प्रियो, जो प्रभु का सुसमाचार लोगों को सुनाता है, प्रभु संग उनके साथ रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इसी वचन में। प्रभु आपको बहुत अच्छी आशीष दे। हालेलुया, जय मसीह।